सानू जो सरकार वालों है 1000 सैंपलिंग 1 मिलियन लोगों के पिछे कर लगूँ। जिस पेशेंट नू कोई मेडिकल सहायता की जरूरत होएगी उसनू असी सिविल अस्पताल से दाखिल करांगे। सोशल डिस्टेंस मेनटेन करके रखना, हाथ साबण पानी नाल जां सैनेटाइजर नाल साफ रखना। कोविड-19 यानी कि करोना ने हुण एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिते ने। पंजाब दे विच कई केस पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जिस तो बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री ने नवीं गाइडलाइन 1 मार्च तो जा लागू कर दित्तियां ने। सेहत विभाग ने भी अपनी गाइडलाइन नवीं लिया दित्तियां ने। हुण इन्हां दे किन्ना अमल हो रहा, की कुछ किया जा रहा कोविड-19 रोकने लिए, गल करांगे डॉक्टर संजीव भल्ला ने, साडे नाल सीनियर मेडिकल अफसर ने सिविल हॉस्पिटल बटाला दे। 1,66,000 बंदे दे ए अंडर जिहड़ा हॉस्पिटल आंदा है, 1,66,000 बंदा इत्थे रहिंदा है और उन्हां दे काम आंदा है सिविल हॉस्पिटल। किन्नियां नूं एग्जामिन करनगे, किस तरीके नाल एग्जामिन करनगे, उहदे बारे जानकारी लै लैंदे जां की कुछ सानूं जिहड़ा एहतियात वरतने चाहीदे। डॉक्टर साहब, जिहड़ा कोविड-19 ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिते, इहदे लई किन्नी कु तैयारी आ? असी पूरी तरह तैयार हाँ किसी भी अणसिखावी घटना नूं हैंडल करने वास्ते। असी लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं, सानू जो सरकार वालों है 1000 सैंपलिंग 1 मिलियन लोगों के पिछे कर लगूँ वालों, पर साड़ी सैंपलिंग उस मुताबिक डबल तो ज़्यादा है। असी अलग अलग थावां ते कैंप लगा रहे हैं, असी बाज़ारां विच भी कैंप लगाए हैं, गलियां महल्लियां दे विच भी कैंप लगाए हैं, चौंकां दे विच भी कैंप लगाए हैं। और हुण असी पहलां वी असी स्कूलां दे विच कैंप लगाए सी, हुण वी असी स्कूलां दे विच कैंप लगा रहे हां, पुलिस लाइन विच कैंप लगा रहे हां। अगर पॉजिटिव केस वधदे ने ते उहदे लई सिविल हॉस्पिटल किन्ना क तैयार आ, कि सिविल हॉस्पिटल 'च ही मरीज़ रखे जाणगे कि जां फिर जिस तरह पहलां सेंटर बनाए गए सन उस तरीके नाल सेंटर बनाए जाणगे? नहीं, जिहड़ा पेशेंट आ जिहड़ा होम क्वारंटाइन वाला उह होम क्वारंटाइन 'च ही रहेगा। जिस पेशेंट नूं कोई मेडिकल सहायता की जरूरत होएगी उसनों असी सिविल अस्पताल से दाखिल करांगे। साडे कोल उस वास्ते 50 बैड सैंक्शनड हैगे ने, जिथे उन्हां दा इलाज एक माहर टीमां द्वारा किया जा सकदा। अजे तक गल की जाए तो किन्ने सैंपलिंग जिहड़ी आ रोज़ाना चलती पई, किन्ने पॉजिटिव आ रहे हैं? साडे कोल तकरीबन 350 दे लागे सैंपलिंग जिहड़ी आ उह एवरेज चल रही है। और कल साढ़े को 2 पेशेंट सी पॉजिटिव, इस तो इलावा पिछले 3-4 दिन तो एक दो पॉजिटिव आया, उस तो 10-15 दिन 20 दिन पहला कोई बहुता पॉजिटिव केस नहीं मिले। हुण गल की जाए तो लोगों को किहड़ियां उह चीज़ां ने जिहड़ियां इस्तेमाल करनियां चाहीदियां या एहतियात वरतनी चाहीदी जिहदे नाल इह करोना वर्गी भयानक बीमारी दुबारा पैर ना पसार सके? देखो, कोविड-19 दीआं प्रिकॉशन जिहदे विच मास्क पाउणा, अपना नक ते मूँह ढक के रखना, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करके रखना, हाथ साबण पानी नाल जां सैनेटाइजर नाल साफ रखना, और भीड़ भड़के वाले इलाकों 'च ना जाना। फालतू कई लोग गल्लां बातां मार के ढेरियां 'च पहुँच जाते हैं, एवें सारे जने विआहां शादियां दे विच जां होरनां जगह उत्ते पहुँच के इस सारे सिस्टम नूं खराब करते हैं। इन्हां लोगों नूं हुण ध्यान रखने की लोड़ है भी ये कोविड-19 दी प्रिकॉशनस लैनियां बहुत जरूरी है, ता कि कोई किसी किस्म की अणसिखावी घटना जां अणसिखावां दा फैलाव है वह ना हो। डॉक्टर संजीव भल्ला जिन्होंने जानकारी दी है कि बेशक पहला भी तैयारियां मुकम्मल सन, पर हुण फिर एक बार 50 बैडड हॉस्पिटल दे विच रूम तैयार हो गए ने, स्टाफ तैयार है। इस तो इलावा हुण फिर गलियां मुहल्लियां नुक्कड़ां ते कैंप लगाए जा रहे, टेस्टिंग की जा रही, ताकि ना एक करोना वर्गी भयानक बीमारी फैल सके। असी भी लोगों को अपील करते हैं कि अपने लगातार हाथ धोवो तो मुँह से मास्क पा के रखो, ताकि ये करोना दोबारा अपने पैर ना पसार सके। कैमरामैन निशांत नाल एवी न्यूज़ पंजाबी, नितिन लुथरा, गुरदासपुर।